आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तस्करों को लेकर पुलिस ने जब से अपनी कमर कसी है तब से राजस्थान के तस्करों ने तस्करी में नए जुगाड़ बना लिए हैं। नशा तस्कर एम्बुलेंस और प्याज की गाड़ियों से डोडा पोस्ट की तस्करी कर रहे हैं, तो बजरी माफिया डंपर की जगह ट्रक को त्रिपाल से ढककर बजरी की तस्करी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस के हाथों से तस्कर बच नहीं पा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए और तस्करों के शातिर दिमाग का अंदाजा लगाइए कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए किस तरह की प्रतिबंधित चीजों की तस्करी करते हैं। लेकिन पुलिस की निगाह तस्करों को आखिरकार ढूंढ ही लेती है। एम्बुलेंस से नशे का कारोबार, पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी एम्बुलेंस पकड़ी। मामले में एक आरोपी गिरफ्तार। सड़क पर तेज रफ्तार दौड़ती हर एम्बुलेंस में मरीज मत समझिएगा, क्योंकि तस्कर एम्बुलेंस को अब तस्करी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अक्सर इमरजेंसी सेवा को देखते हुए पुलिस एम्बुलेंस की तलाशी नहीं लेती, इसका फायदा उठाते हुए तस्कर एम्बुलेंस से नशे की तस्करी करते हैं। भीलवाड़ा की पारोली थाना पुलिस ने डोडा पोस्ट से भरी एम्बुलेंस को पकड़ा। 32 प्लास्टिक के कट्टों में 658 किलो डोडा पोस्ट बरामद किया गया। एम्बुलेंस चालक हनीफ अली को गिरफ्तार कर लिया गया है। पहुंचकर गाड़ी को चेक किया तो अभी डोडा चूरा भरा हुआ था। कट्टों के अंदर जिनको नीचे उतार कर गिनती करें तो कुल 32 कट्टे भरे हुए थे, जिनको इलेक्ट्रॉनिक कांटा मंगवा कर तोल करवाया गया तो 658 किलो अफीम डोडा चूरा हुआ। गाड़ी के अंदर एक ड्राइवर था जिसको मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। तो दूसरी तस्वीर अलवर की है। पुलिस ने प्याज के ट्रक से अवैध डोडा पोस्ट बरामद किया। पहली नजर में आपको अंदाजा भी नहीं लगेगा कि प्याज से भरे ट्रक में कोई भला डोडा पोस्ट क्या ले जाएगा। प्याज से भरे ट्रक से डोडा पोस्ट बरामद, मामले में दो आरोपी गिरफ्तार। पुलिस की आंख में धूल झोंकने के लिए तस्कर तस्करी की नई नई तरकीबें ढूंढते हैं। थाना गाजी में पुलिस ने प्याज से भरे एक ट्रक से 5 बोरों में 100 किलो अवैध डोडा पोस्ट का पाउडर पकड़ा। पुलिस ने सुभाष और भोलाराम को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, बजरी माफिया ने भी पुलिस को चकमा देने के लिए नए पैंतरे आजमाने शुरू कर दिए हैं। बजरी माफिया ने बदला तस्करी का तरीका। ट्रक में भरकर माफिया कर रहे बजरी की तस्करी। त्रिपाल से ढककर माफिया कर रहे बजरी की तस्करी। अलवर के केकड़ी में बजरी माफिया ट्रेलर और डंपर के बजाय ट्रक से बजरी की तस्करी करते हैं। माफिया बजरी से भरे ट्रक के चारों तरफ त्रिपाल लगाते हैं, जिससे किसी को बजरी की भनक न लगे। लेकिन खनिज विभाग की टीम ने बजरी भरकर ले जा रहे ट्रक को जब्त कर लिया। मौके से ट्रक चालक और खलासी फरार हो गए। ऐसे में अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि तस्कर पुलिस से बचने के लिए तस्करी की कौन कौन सी तरकीबें ढूंढते हैं। भीलवाड़ा से दलशाद खान, अलवर से जुगल गांधी के साथ अजमेर से मनवीर सिंह, जी मीडिया।